कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र देमरामपुर गोला खनन निकासी गेट पर वाहन स्वामियों द्वारा वन निगम पर काटे खराबी करने का आरोप लगाते हुए एक घंटे तक निकासी बंद रखी। हंगामा बढ़ता देख कांटे पर मौजूद निगम कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन स्वामियों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। बताते चले कि देवरामपुर गोला निवासी निकासी गेट पर कुछ वाहन स्वामियों द्वारा निगम कर्मचारियों पर कांटे में गड़बड़ी का आरोप लगाते निकासी गेट पर जमकर हंगामा काटा तथा खनन की भी निकासी बंद कर दी, जिसके चलते अन्य वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही वाहन स्वामियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने खनन से लदे वाहनों को कांटे पर ही रोक दिया, जिसके कारण कई गाड़ियां गोले में ही रुकी रहीं। इधर मामला बढ़ता देख निगम कर्मियों ने इस सूचना को उच्च अधिकारी के साथ साथ कोतवाली पुलिस को भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन स्वामियों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। इधर गेट इंचार्ज त्रिवेंद्र सिंह संभल का कहना था कि कांटे में कोई भी खराबी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दोपहर से 500 गाड़ियों की निकासी तोल की गई है, लेकिन उनमें ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसे कहा जा सके कि कांटा खराब है। उन्होंने वाहन स्वामियों पर अभद्रता आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी है, जिस पर उसके निर्देश पर आगे कार्यवाही की जाएगी। जबकि वाहन स्वामियों ने कांटे पर मौजूद कर्मियों पर कांटे खराबी का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आए दिन कांटे खराब एवं रावल्टी पर अधिक पैसा लेकर गेट कर्मियों द्वारा वाहन स्वामियों को बेवजह परेशान किया जाता है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी इस मामले को कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वाहन स्वामी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाए। 540 गाड़ी निकल चुकी है, 494 गाड़ी निकल चुकी है, 539 गई थी। कितनी गाड़ियों में, कितनी गाड़ियों की निकासी बंद हुई है सुबह से? अभी तो ये तो शाम को जब रिपोर्ट निकलेगी उसके बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी बंद है, कौन सी खुली है करके। क्या आपका क्या कहना है, कांटे खराब है कि कांटे दुरुस्त है? कांटे हमारे बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ है जो कांटों को बंद कर दिया गया? अब ये लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी मतलब निकासी बंद हो गई है और मतलब ये अभी निकासी खोलो, और इन्होंने दोनों कांटे जाम कर रखे हैं। और हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मतलब शस्त्र नहीं है। तो क्या आपने क्या फोर्स बुलाई है आपके साथ अगर ऐसी बात? हमने अपने प्रभागी मतलब डीएम साहब को अवगत करा रखा है। अवगत करा रखा पूरे मामले से? क्या ये लगातार ऐसी बदतमीजी होती है कि आज ही हुआ है? आज तक निभाव इसी प्रकार की हुई, आज इनका ये करेंगे, कल को कोई दूसरा और करेगा तो हम यहाँ पर कैसे संभाल पाएंगे। क्या नाम है आपका, किस पोस्ट में आप? मैं स्कलर हूँ वन निगम में। क्या नाम है आपका? रवि सिंह संभल। या इस गेट में भी लगातार ऐसी गाड़ियां बंद? इस गेट में जो है कि कमी और था, लेकिन आप आज तो अति होगी। अब बताओ, 102 क्विंटल माल है और 110 दिखा रहा है, क्या कर सकते हैं? रोटी हमारी जेब में पड़ी है। क्या नाम है आपका? भास्कर जोशी। तो ये गाड़ी का नंबर कितना है? 23-81। क्या इसकी आज निकासी बंद हो गई? आज निकासी बंद नहीं, हम कह रहे कि आज बंद है तो मत खोलो। हम ये कह रहे हैं भविष्य में घटनाएं ना हो ना, इससे मतलब आज ही खोलो थोड़ा कह रहे हैं। लेकिन ये है कि अब गाड़ी में 102 क्विंटल है, 112 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा। अभी गेट बंद कर दिया गया जैसे, तो कैसे रहेगा? ना ना, अभी तो बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो पाएगा। जैसे आपने गेट बंद किया है तो कैसे क्या रहेगा आगे को? नहीं नहीं ना, पहले आएंगे साहब, आएंगे जो ऊपर के आदमी है, जो हाई लेवल के आदमी है, वो आएंगे, चेक करेंगे, जो जाए जाए वो बात करेंगे, जाए जिस हिसाब से काम होगा। क्रेशर में आया कमी? ये सुमन स्टॉक। और यहाँ पर पूरा था वजन? हाँ, यहाँ तो निकासी बंद होगी उसकी। यहाँ निकासी बंद है? और वहाँ तीन क्विंटल निकासी बंद नहीं है? माल कम कर दिया। कितना कम किया वहाँ? 3 क्विंटल। और यहाँ 3 क्विंटल फालतू दिखाया? फालतू दिखाया। तो कांटे में है दिक्कत? रोज हमारी एक गाड़ी बोता, दो गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गेट है? देवरामपुर।